CAB यानी कि कैब, अगर हिंदी में बात करें तो नागरिकता संशोधन विधेयक। अब नागरिकता संशोधन विधेयक है क्या, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। यह विधेयक नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव करेगा। इस विधेयक के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत आसपास के देशों में भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन विधेयक CAB संसद में पास होने और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद नागरिक संशोधन कानून CAA बन गया है। नागरिकता संशोधन बिल में 6 गैर मुस्लिम समुदायों, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म से संबंधित अल्पसंख्यक शामिल हैं। इस विधेयक के तहत 31 दिसंबर 2014 तक धर्म के आधार पर प्रताड़ना के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछला नागरिकता मापदंड क्या था और अब क्या है। तो भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना अनिवार्य था, लेकिन नए विधेयक के तहत पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भी भारत में रह रहे हैं तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है।